देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो रहता है जो नए एस्पिरेंट्स आ जाते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, जैसे स्पेशली अभी एसएससी सीजीएल 2025 को कई लोग नया स्टार्ट करेंगे, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है उनको कि कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी जाए या रेफरेंस बुक फॉलो करी जाए, या फिर आपको कोचिंग नोट्स पर निर्भर रहना है, या फिर सेल्फ स्टडी या कोचिंग करना। ये कुछ कॉमन डाउट्स है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बिगिनर है उसके माइंड में रहते हैं। देखो, एसएससी के फील्ड में अभी लास्ट के 3-4 साल में मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है मटेरियल की। पहली बात तो मटेरियल और कोचिंग क्लासेस और जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, पहले जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, तो बच्चे या एस्पिरेंट्स जो हैं वो इतने कन्फ्यूज़ नहीं होते थे। उनको पता है कि इससे पढ़ना है मेरे को, या तीन ऑप्शन है तो इजी टू मतलब सेलेक्ट होता था। कि अभी क्या है, मैथ्स आपको 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। और आपके हर गाइड, हर टीचर के एक अलग ही एक मतलब चल रही है बाहर, जो हर टीचर अपना एक बुक निकाल रहा है, अपनी एक रेफरेंस बुक निकाल रहा है, उसके बाद अपने नोट्स निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक्चुअल में किससे पढ़ना है। और वो एक सबसे बड़ा क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि सेलेक्ट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ए बिगिनर। जब आप 1 साल तैयारी कर लोगे, आपका सिलेक्शन के किनार पे जब आ जाओगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मैटर कर रही है। और वो जो मैटर करने वाली चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। 3-4 भागों में आप बांट सकते हैं एसएससी के जो मटेरियल अभी मार्केट में अवेलेबल है उसको, और उसमें क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो रेफरेंस बुक एक कंप्लीट पैकेज होता है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे एसएससी की फील्ड में रेफरेंस बुक की बात करूँ तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपके लिए रेफरेंस बुक है, मैथ्स के सारे टॉपिक्स की रेफरेंस बुक आपके पास हो सकती है, उसके बाद जीएस की रेफरेंस बुक आपके पास हो सकती है, जो कंप्लीट जीएस आपको पढ़नी हो तो रेफरेंस बुक आ जाएगी उसकी। उसके बाद इंग्लिश की वोकेबलरी की भी एक रेफरेंस बुक हो सकती है जो मतलब बहुत डीप में। बट एसएससी के फील्ड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एसएससी डिमांड करती है, जो एसएससी का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसमें रेफरेंस बुक की आपको नीड नहीं पड़ती। रेफरेंस बुक कई लोगों को तो समझ नहीं आएगी क्योंकि एसएससी के फील्ड में शायद कोई रेफरेंस बुक खरीदता ही नहीं है। रेफरेंस बुक से मेरा मतलब है कि आपको चीज़ें डीप में पढ़नी है, जैसे मान लो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो मॉडर्न हिस्ट्री की एक पर्टिकुलर बुक आप लेके आओगे। ज्योग्राफी पढ़नी है तो जो हुसैन माजिदी की बुक आती है वो वाली आप उठा के ले आए, या उसके बाद आपको ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर के कोई एक अच्छी सी बुक, इतनी मोटी जो बुक आती है वो लेके आ गए। उसके बाद जैसे मैथ्स पढ़नी है तो कंप्लीट मैथ करके रेफरेंस बुक्स आती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है, उसमें प्रॉपर थ्योरी हर चीज़ को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो एसएससी वो डिमांड भी नहीं करती, एसएससी में वो नीड भी नहीं है। तो रेफरेंस बुक का मुद्दा एसएससी के फील्ड में ख़त्म हो जाता है। उसके 2-3 रीज़न है, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। उसके रीज़न ये है कि जो एसएससी का जो रेफरेंस बुक का तरीका है ना, उसमें एक तो रेफरेंस बुक में कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको सॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको पहले तो रेफरेंस बुक पढ़ना है, उसके बाद उसका सारा कंटेंट पढ़ना है आपको, उसके बाद उसको सॉर्ट करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स के बिना रेफरेंस बुक आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि उसमें मटेरियल दिया हुआ है 100 पॉइंट्स और आपके सिर्फ यूज़ के हैं उसमें 10 पॉइंट्स, तो वो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स में बनाने पड़ेंगे और रिविज़न के लिए भी शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी, जो रेफरेंस बुक नहीं है तो क्या है एसएससी में? एसएससी में रेफरेंस बुक नहीं है, एसएससी में है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक इतने सारे पब्लिशर्स की आती है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिलेक्ट करनी है, और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से आपको स्टिक रहना है एसएससी के फील्ड में, आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। एसएससी का जो पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है, लिमिटेड है चीज़ें, तो जितने भी पब्लिशर्स हैं उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टैंडर्ड्स बुक्स निकाली हुई है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में चलती है। जो मेरे जैसे लोगों ने सिलेक्शन लिया है उन्होंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की बात करता हूँ, उससे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट का बता देता हूँ। मॉक का भी ये है कि मॉक में ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं, क्योंकि आपको मल्टीपल मॉक्स लगाने हैं एसएससी में, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के मॉक लगाने हैं, और 2-3 प्लेटफॉर्म ही है जो बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आपको सारे प्लेटफॉर्म के मॉक लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि एक्चुअल में आपकी तैयारी किस साइड जा रही है, और हो सकता है एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हार्ड बना रहा हो, एक ईजी बना रहा हो,
तो थोड़ा सा मिक्स चीज़ें चलती रहेगी। इसी संदर्भ में आप एसएससी के जो मॉक हैं उसके लिए आप टेक्स्ट बुक अभी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, 395 का आपको आएगा, जो 600-700 में जो आपको वो मिलता है कंटेंट वो वाला 395 में आएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो इसका जो है, मेरा कूपन कोड आप यूज़ करेंगे ट्रू तो इसमें भी आपको 13% ऑफ मिलेगा, तो आप ये लें। और इसमें क्या है ना, एक्चुअल कंपटीशन की फील आपको मॉक टेस्ट लगाने से आएगी, और स्पेशली उन प्लेटफॉर्म से मॉक लगाने से आएगी जिनमें ज़्यादा लोग मॉक देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वही एस्पिरेंट्स आपको 2025 में देखने को मिलेंगे जो इन मॉक प्लेटफॉर्म पर मॉक दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है मॉक टेस्ट, और इससे आपको एक्चुअल आइडिया भी लगता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर चल रही है, कितनी रैंक आपकी आ रही है। प्लस जैसे टेस्ट बुक पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप सेक्शनल क्विजेस वगैरह वहाँ पे लगा सकते हैं, टॉपिक्स वाइज चैप्टर वाइज आप टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स की बात करेंगे। देखो स्टैंडर्ड बुक जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड बुक ही एसएससी के प्रिपरेशन में आपको चाहिए। स्टैंडर्ड बुक एक तो आपका समय कम लेगी, एक ये सिलेबस ओरिएंटेड डिजाइन है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। जैसे मान लो कि मैथ्स की स्टैंडर्ड बुक है तो वो मैथ्स में जो सिलेबस है वही उसमें कंटेंट है, तो आपको फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ टॉपिक छोड़ने कुछ करने वाली एक टेंशन है जो आपके दिमाग से हट जाएगी, वो आपको करने नहीं है। और तीसरी चीज़, एसएससी के फील्ड में मैक्सिमम आपको पीआईक्यू पे फोकस रखता है आपका, तो पीआईक्यू के इर्द गिर्द ही स्टैंडर्ड बुक्स घूमती है, जैसे स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की बात करें। और हाँ, ये तो मैक्सिमम ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो पीआईक्यू जिसने मास्टरी कर लिया तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर बहुत अच्छा आता है। तो स्टैंडर्ड बुक का कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब स्टैंडर्ड बुक में आपको लेनी कौन सी है, देखो इतने पब्लिशर्स आते हैं, हर जो अच्छा टीचर है एसएससी के फील्ड में उसकी अपनी खुद की बुक है, खुद का पब्लिकेशन है, जो भी बड़ा यूट्यूब चैनल है उसके खुद की अपनी पब्लिकेशन है, खुद की बुक है। उसके अलावा दो इंडिपेंडेंट जैसे किरण है, पिनाकल है, उसके बाद इनकी काफ़ी सारी बुक्स आती है। इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, देखो एक बुक मैं जो बता रहा हूँ उस वो सबके लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैं कोई बुक का नहीं अभी आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हर पब्लिकेशन का अपना एक तरीका होता है बुक को अरेंज करने का, कंटेंट को अरेंज करने का, बट जो पीआईक्यू की बुक है उसमें आपको जो एक्चुअल कंटेंट है वो सेम मिलेगा। जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है उसका कंटेंट कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आपको पिनाकल में भी मिलेगा, किरण में भी मिलेगा, या कोई और पब्लिकेशन है जिसने पीआईक्यू की बुक निकाल रखी है उसमें भी मिलेगा। द ओनली चेंज यू विल सी इज द सॉल्यूशन, उसमें कैसे सोल्व करा है उस चीज़ को, तो वो आप पे निर्भर करता है। अब आपको लेना क्या है, स्टैंडर्ड बुक के लिए मैथ्स की थ्योरी बुक नहीं लेनी है, रीजनिंग की थ्योरी बुक नहीं लेनी है। एक तो पीआईक्यू की थ्योरी वो पीआईक्यू बुक लेनी है मैथ्स में, रीजनिंग में भी पीआईक्यू लेनी है। ये स्टैंडर्ड बुक जो मैं बता दिया आपको, पब्लिशर ऑफ योर चॉइस, ये आपको जरूर चाहिए 2025 में, मतलब करेक्ट करना है तो आपको। और वो जो पीआईक्यू आप ले रहे हो वो लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँगा तो आपको ग्रामर की एक बुक लेनी पड़ेगी, उसमें वोकैब भी होगी तो वेल एंड गुड, वोकैब नहीं है तो भी प्रॉपर ग्रामर जो एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। उसके बाद उसमें वोकैब भी एडिशनल, तो दैट इज़ ए प्लस पॉइंट। उसके बाद आपको वोकैबलरी की एक बुक लेनी है बहुत अच्छे से, जिसमें सारा कंप्रेंसिव पीआईक्यू कवर हो, एक वोकैब जो बिना पीआईक्यू के स्टैंडर्ड बुक हो, जैसे वर्ड पावर मेडिजी वगैरह की जैसी बुक्स आती है वाली आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी आपको लेनी है। जीएस में एक पीआईक्यू की बुक तो ले या ना ले आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एसएससी ज़्यादातर पीआईक्यू को रिपीट नहीं करता है, जो जीएस एसएससी पूछता है वो थोड़ी सी मतलब पीआईक्यू से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट होता है, वो डीप होता है, जो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक्स के पीआईक्यू में कवर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी एनसीईआरटी की बुक से जीएस तो अभी से कवर करना शुरू कर देना, स्टैंडर्ड बुक की थ्योरी आपको करनी है। स्टैंडर्ड बुक का वो देख लेना आप, जो भी स्टैंडर्ड बुक ले रहे हो काफ़ी सारी चलती है, जैसे लूसेंट, घटना चक्र और कई सारे पब्लिशर्स है, जिसमें किरण, पिनाकल और भी जो पब्लिशर्स है निकालते हैं सब, उसमें कि एसएससी का सिलेबस मैच करा लेना, जो भी आप बुक ले रहे हो लेटेस्ट लेना, क्योंकि फैक्ट्स लेटेस्ट, कई सारे अमेंडमेंट जैसे देखें, हिस्ट्री में तो कुछ चेंज नहीं होता लेकिन इकोनॉमिक्स हो गया, आपके साइंस में भी कुछ, साइंस एंड टेक में कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है, प्लस पॉलिटी में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ये वाली चीज़ें आप देखो, तो ये आप लेटेस्ट बुक लेना और एसएससी का जो सिलेबस कवर हो रहा हो वो वाली बुक लेना। इसमें एक लेना, कोई भी एक थ्योरी की बुक ले लेना,
और PYQ नहीं, उसके बाद जो आप जो ज्यादा ज्यादा मॉक लगाओगे, क्विजेस लगाओगे, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, उससे एनरिच करते रहना है आपको। उसके बाद बात करता हूँ कोचिंग नोट्स की। देखो सबसे पहले चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, कोचिंग नोट्स जो ऑलरेडी प्रिंटेड कोचिंग नोट्स होते हैं वो अवॉइड करना। कोचिंग नोट्स आपने खुद कोचिंग करी है तो वो नोट्स आप बना रहे हो तो वो आपके होने चाहिए कोचिंग नोट्स। कोचिंग नोट्स कहाँ काम आएंगे? सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की थ्योरी में, इंग्लिश की ग्रामर में काम आएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी मैं कोचिंग नोट्स रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सोचो कि PYQ के क्वेश्चन सारे मैं कोचिंग नोट्स से कर लूँ तो वो कहीं ना कहीं मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप सोचो कि मैथ्स के PYQ कर लूँ मैं, उससे नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आप नोट्स में लिखने लग गए इस चीज़ को, तो वो ना तो कोचिंग वाला कराएगा आपको ना आपके लिए वो अच्छी चीज़ है। आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, और उतना जितना आपका आउटपुट आना चाहिए, जितना आपको बेनिफिट होना चाहिए उसका वो नहीं हो। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है। कोचिंग के नोट्स मैंने बता दिए, मैथ्स की थ्योरी के लिए कोचिंग नोट्स अच्छे हैं, रीजनिंग की थ्योरी के लिए अच्छे हैं, इंग्लिश की ग्रामर के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ भी चीज़ के लिए कोचिंग नोट्स पर निर्भर आपको नहीं रहना है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मार्केट में जो रेडीली अवेलेबल नोट्स होते हैं कोचिंग के, वो एज इट इज़ खरीद लेते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कोचिंग के अच्छे से नोट्स लिखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के उसको बेचने लग जाते हैं। तो वो आप ले सकते हैं, जब वो तभी लेना है आपको जब आप उस टीचर से खुद पढ़ रहे हो और एक बार नोट सामने रख के फिर से पढ़ रहे हो और आप अंडरलाइन चीज़ों को कर रहे हो। अब लास्ट जो कन्फ्यूजन है आपका, वो जनरली ये रहता है कि मल्टीपल सोर्स पे लोग स्टिक रहते हैं, तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो उसमें एक सोर्स फॉलो करना। जैसे मैथ्स की PYQ के लिए एक बुक उठा लो, आप कोई सी भी उठा लो, सारे जो जो आपको लगता है कि ये अच्छे पब्लिशर्स है उनकी PDF लगभग आपको सबकी मिल जाती है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक चैप्टर की PDF तो आपको स्टैंडर्ड वो निकालते हैं देखने के लिए। तो उसमें देखो आपको समझ आएगा कि ये वाली मेरे लिए बेटर रहेगी, तो वो उठा लो। मैथ्स की एक PYQ, रीजनिंग की एक PYQ, उसके बाद ग्रामर की जैसे मैंने बताया आपको इंग्लिश की एक उठा लो, उसके बाद वोकैब की PYQ एक उठा लो, और उसके बाद GS में आप एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो, और थ्योरी ग्रामर वो वोकैब एक सेम में आ गई आपकी इंग्लिश के लिए। तो ये वाली कुछ स्टैंडर्ड बुक है जो आप डिसाइड करो और उसके बाद खरीद लो, बट मल्टीपल में मत जाना कि आप पता चले कि मैथ्स की PYQ भी आप दो दो बुक से लगा रहे हो। तो जो भी PYQ की आप बुक फॉलो करो, वो एक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको उसी के 3-4 बार रिवीजन करना है, 4-5 बार भी हो सकता है। तो आप अलग अलग बुक फॉलो करोगे तो शायद इतने रिवीजन आपसे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये मल्टीपल सोर्स के पीछे आपको नहीं भागना है। इतना ही इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको जो सोर्स है आपका सेलेक्ट करने में आपको आसानी रहेगी और आप 2025 के लिए लिमिटेड सोर्सेज का ज़्यादा रिविजन करके अच्छे मार्क्स के साथ पास करोगे। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ तक आपने देख लिया है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज लिख के, ठीक है। दिस इज ऑल इन दिस गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।